हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 9 अव्ययभो, जो कि ललित रचना है और इसका लेखक अशोक वाजपेयी है। तो इस चैप्टर कवर करने से पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप पिछला चैप्टर 8 चैप्टर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वह जाके सुनिए। क्यों सुनिए? क्योंकि हम आपको बता दें कि परीक्षा में 25 से 30 नंबर बुक से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको अच्छा नंबर लाने के लिए ऑब्जेक्टिव पर ही ध्यान देना होगा। तो आप जाइए, पिछला वीडियो देखिए और ऑब्जेक्टिव बनाइए और ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव के बिना आप अच्छा नंबर नहीं ला जा सकते हैं। और यहाँ से मालूम है 20 से 30 नंबर यहाँ से पूछा जाता है, 20 नंबर व्याकरण से पूछा जाता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही होता है। और तुम बोलोगे हम किताब नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट जाकर परीक्षा में लिख देंगे, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो ऑब्जेक्टिव जाके याद करो, और ऑब्जेक्टिव याद करने से पहले तुमको तो बुक पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टोटल गद्य खंड और काव्य खंड दोनों मिलाकर कितना हो गया? 24। ठीक है, 24 चैप्टर हुआ ना जी। तो इसमें हम यह कहना चाहते हैं कि आप गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर जो 24 चैप्टर होता है याद कर ले। यह आप इस तरह से याद करें कि पहले आप चैप्टर का नाम याद कर ले, फिर उसका लेखक का नाम कर ले, साथ में आप यह भी याद कर ले कि जैसे कि शर्म विभाजन और जाति प्रथा निबंध में लिखा गया है, विश्व के दांत कहानी में लिखा गया है, भारत से हम क्या सीखे भाषण में लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध में लिखा गया है। ठीक इस तरह से आप याद करेंगे, तीनों ही याद करेंगे, चैप्टर का नाम, लेखक का नाम एवं चैप्टर जो है कौन सा भाषा में लिखा गया है। क्योंकि ये आपको हम बता दें कि यहाँ से आपको इसमें से सिर्फ आपको ये शुरू का जो पेज आप देख पा रहे चैप्टर का नाम एवं लेखक का नाम, यहीं से आपको लगभग आपको 10 या 12 नंबर का यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले आप यही याद कीजिएगा, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बहाना बनाना छोड़ो और पेन कॉपी लो और नोट बनाओ और याद करो। और अभी तक पिछला नहीं कवर किया है तो वहाँ भी जाके पूरा ऑडियो सुनो, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव तुमको कवर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम किताब पढ़ो और आंसर लिख दो तो फिर तो तुम्हारा हो गया कल्याण, ऐसा नहीं है बाबू। तुम अभी शुरू में नए हो ना, तो तुम कैसा लग रहा है, तो जाके बढ़िया से पढ़ाई करो शुरू से ही। हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आप शुरू में मेहनत करते जाओ, बाद में सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जो कि हिंदी साधारण जनता की भाषा में कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी सर पेश किए हैं, तो हम इस जान लें, उसके बाद हम फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज बनाए रहेंगे, जन चित्त में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राजशक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप की भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसान अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निबंध थे एक तरह से बोल ले तो। देखो ये परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी के बारे में भी जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और उसके बारे में हम कुछ जाने ही नहीं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसे कि आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, कितने महान कवि एवं लेखक है। तो अब यह हम जान लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अशोक वाजपेयी, जो कि लेखक है अव्ययभो का, उसके बारे में हम जानेंगे। देखो धरफराव नहीं, तुम अभी न्यू स्टूडेंट हो, ठीक हो, ज़्यादा दिन तुम्हारा नहीं हुआ है ना एंट्री हुए दसवां में, तो धरफराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। स्लो पढ़ेंगे लेकिन रोज़ पढ़ेंगे, स्लो हल्का मेहनत करेंगे लेकिन रोज़ मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं कि आज हम 12 घंटा पढ़ ले अब 2 दिन आराम से घूम रहे, ऐसा नहीं। 4 से 5 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन रोज़ 4 से 5 घंटा पढ़ेंगे। हमारा वादा है कि तुमको बहुत अच्छा नंबर आएगा, फर्स्ट डिवीजन से भी बहुत अच्छा नंबर आएगा, तो सिर्फ हमारे साथ बने रहे आप। तो हम अशोक वाजपेयी के बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, किंतु उनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश है। उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई, फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया। उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेनानिवृत्त हुए। संप्रति वे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक हैं। अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित है, जैसे में शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्व पुरुष, कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख चिट्ठी रसा है आदि उनके कविता संगलन है। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह समय से बाहर, कविता का कल्प, कवि कहाँ गया है आदि उनकी आलोचना की पुस्तकें हैं। उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी है। तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञेय से चुनी हुई कविताओं का संपादन आदि। उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, जिनमें समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि प्रमुख है। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। सर्जक साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में एक संतुलित रचना धार्मिकता की अंतरंग झलक है। यह पाठ उनके अवयवों नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। इसी नाम के संग्रह में उनकी सृजनात्मक गद्य की कुछ रचनाएं और कविताएं हैं, जिनमें से दोनों विधाओं की 2 रचनाओं के साथ पुस्तक की भूमिका भी किंचित संपादित रूप में यहाँ प्रस्तुत है। अवयवों दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जहां लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी गई। इस तरह हिंदी ही नहीं, भारत से विभिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबद्ध मानस के सृजनात्मक अनुष्ठान की साक्षी यह एक वैश्विक जागरूकता और संस्कृति बोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस की अंतरंग झलक पेश करते हुए यह दिखाता है कि रचना कैसे रूप आकार ग्रहण करते हैं। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर नहीं होती। उसकी निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, उसकी जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तो यह अशोक वाजपेयी के बारे में हम कुछ जान गए और हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आशा करते हैं कि आप लोग पेन कॉपी लेकर नोट बना रहे ही होंगे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कवर किया जाता है, 20-30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हमें आशा है कि आप लोग पेन कॉपी लेकर ऑब्जेक्टिव बना रहे होंगे। तो चलिए फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अवयवों। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लो और शांति में सुनो, क्योंकि पढ़ाई शांति में ही किया जाता है। ऐसा नहीं कि इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा के सुनो और नोट बनाते रहो। तो चलो हम फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं अवयवों। लगभग 10 वर्ष पहले पहले बार अवयवों गया था। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, जहां कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष होता है। उस वर्ष वहां भारत केंद्र में था। पीटर ब्रुक का विवाद संपद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। पत्थरों की एक खदान में अवयवों से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी। सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक कुछ दिनों और ठहरा रहा था। कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक आर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गाया था। एक बंदिश भी याद है, द्रूम द्रूम लता लता। इस समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते हैं।
रोन नदी के दूसरे ओर अवयवों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। नाम है विलनवब लॉ अवयवो, अर्थात अवयवों का नया गांव, या शायद कहना चाहिए नई बस्ती। वहां दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। उसी में कार्थुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना लॉ सत्रुज। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, जो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। क्रांति होने पर इस स्थान और उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और वे उनमें रहने लगे। इस सदी की शुरुआत में तो लॉ सत्रुज के जीर्णोद्वार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीद कर उनका बहुत संवेदनशील और सुधार जीर्णोद्वार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई। उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उनमें से एक कला केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। रंगकर्मी, संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रंचात्मक काम करने में बिताते हैं। दो दो कमरे के चैम्बर सुसज्जित है, उनमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा ही है, पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर है। एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। चमड़ों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी है। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है, बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से जहाँ चाहे वहाँ अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर। दिन में औसतन 50 सैलानी यह जगह देखने आते हैं, अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है। विलनवब एक छोटा सा गांव है जहां एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, कई रेस्तरा और बार आदि। अवयवों और आसपास के अन्य शहरों कस्बों से बस व्यवस्था सुहल है। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से लॉ सत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछले गर्मियों में मिला था, तब नहीं जा पाया था। यू अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था, सो कुछ 19 दिन वहाँ रहा। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भर ले गया। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने की कोई विशेषता न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर मिला था। इतने निपट एकांत में रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद रचनाएं लिखे। ओ माई गॉड, देख रहे हो ना कितना, मानी 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद लिख दिए। इसलिए कहते हैं ना, मेहनत करना ही पड़ता है, महान आदमी बनने के लिए मेहनत करना ही पड़ता है। यह गांधी जी के बारे में लिखा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। अवयवो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है लॉ मादा मोजेल द अवयवो। कभी अति यथार्थवादी कवित्री आंद्रे वीरता, रेने सौ और पाल एलोआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं अवयवों के साथ रहकर लिखी थी। लॉ सत्रुज के निदेशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी थी तो उन्हें इतने अल्प विधि में इतने काम पर अचरत हुआ था। अचरज मुझे भी कम नहीं है। वे सुंदर, नीवर, सधान, सुनसान दिन और रातें भी थे। भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई है। यह पुस्तक उन सब की स्मृति का दस्तावेज है। अवयवों को उसी की एक मठ में रहकर लिखी गई। कवि प्रणीत भी हर जगह हम कुछ पाते हैं, बहुत सा गवाते हैं। लॉ सत्रुज में जो पाया उसके लिए गहरी कृत ज्ञाता मन में है और जो गवाया उसकी गहरी पीड़ा भी। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि एक छोटी सी कविता प्रस्तुत की गई है, तो हम इसे पढ़ते हैं। प्रतीक्षा करती है पत्थर,
किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करती है। पत्थर धीरज से रेशा रेशा झरते हुए, सीरा सीरा झीलते हुए प्रतिक्षारत करती है। पत्थर मेहनत गिरता है सूखी पतिया, धूप गिरती है आवाजें, भाई भाई करता रात का ब्यावान और अंधेरा। अपनी अभेद हृदय में कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। हरे सपने भूरी पहेलिया, पीला पड़ता समय, धिजती भाषा, आदिम अंधेरा सब घिरता है पत्थरों को। पर अपलक बाँट ओगुरते एक बहती चौगन में खड़े रहते हैं पत्थर। बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर, बिना पसीजे कमाना करते हैं पत्थर, बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करती है पत्थर। तो ये कविता थी छोटी सी, और हम इसे पढ़ दिए हैं, और आप एक दो बार पढ़ लीजिए। उसे याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन एक दो बार पढ़ लो, क्योंकि ये शानदार कविता है। इसका हम कभी जिक्र करेंगे, इसका माने भी हम कभी आपको हम समझाएंगे। तो अभी हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नदी के किनारे भी नदी है, यहाँ पास में ही रोन नदी है। इस तरफ विलनव और दूसरी ओर अव्यवो। अभी नहीं, पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एक टक देखते रहो तट पर बैठो, तो कई बार लगता है कि जल अस्थिर है और तट ही बह रहा है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहाना है। कई बार नदी अस्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास सोना नदी होना है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी एक कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते। हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाती है। नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। उसमें न जाने कहां कहां से जल आकर मिलते हैं और विलीन होते रहते हैं। वह सागर में सहती होती रहती है हर दिन ही, पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता ने भी न जाने कहां कहां से कैसी कैसी विलमताए शब्द भंगिमाएँ जीवन की छवियां और प्रतितियाँ आकर मिलती है और तदाकार होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। न नदी के किनारे न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन से गए हैं, तो हम उसकी अभिभूति से बच नहीं सकते। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक। निर्दानता नदी और कविता दोनों में हमारी नस्वरता का आनंद से अभिषेक करती है। एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसे तुम कविता हो। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया। तो इसमें कुछ प्रंश बच गए हैं, तो चलिए हम प्रंश की ओर चलते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग नोट बना रहे होंगे। तो देखो, मेहनत करना ही पड़ेगा बाबू। मेहनत से कब तक पीछे भागोगे बोलो? आज भाग जाओगे, कल कहाँ जाओगे? टेंथ में मेहनत नहीं करोगे तो फिर लास्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो फिर बोलेंगे इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता तो अच्छा रहता। तो अभी से ही मेहनत करो। अब तुमको बता दे कि बहुत सा विद्यार्थी ऐसा करता है कि 2 से 3 महीना रहता है तो पढ़ना स्टार्ट करता है। ऐसा थोड़ी ही होता है, शुरू से ही पढ़ो। हम समझा ही पाएंगे, बाकी काम तो आपका है, करे या ना करे। और आपको हम ये भी बता दें कि आपका जीवन है और अपने जीवन का आप खुद मालिक है। हम तो सिर्फ समझा ही पाएंगे, पता नहीं आप कहाँ है, कौन सी स्थिति में है। हम तो सिर्फ आपको हेल्प करने की कोशिश ही की है। हम आपको मालूम है, सिर्फ हम अपना 1 साल बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए सिर्फ हम दे रहे हैं। बताओ, अपना समय निकाल कर तुम लोगों के लिए हम इतना कर रहे हैं। तुम खुद मेहनत नहीं करोगे तो बताओ, जो अमीर व्यक्ति है उसको तो कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन जो मीडियम परिवार से आता है या पुअर परिवार से आता है, उसको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। बताओ, हम खुद पुअर परिवार से बिलोंग करते हैं, हम दुख जानते हैं, इसलिए हम चाहे कि
बुक खरीदने का झंझट, या फिर बहुत जैसे कि तुम्हारे पास अथी सुविधा है ना, बहुत आदमी के पास ऐसा होता है कि सुविधा भी नहीं होता है, कोचिंग फीस के लिए भी नहीं सुविधा होता है, बहुत सी ऐसी बातें हो जाती है। खैर यहाँ पर अभी उतना डिस्कस नहीं करेंगे, बोर्ड के माध्यम पर हम लाइव टू लाइव फेस बात करेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर बहुत चैप्टर लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो अभी तक आप पिछला चैप्टर नहीं सुने हैं तो वो भी सुनिए, और प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे सभी VVI आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसमें टोटल क्वेश्चन 14 है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 14 क्वेश्चन है, तो इसमें सभी याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इसमें से सिर्फ 3 से 4 ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार मानी कि हेर फेर करते हुए पूछता रहता है। तो हमारा ऐसा कहना नहीं है कि तुम सभी याद नहीं करो, हमारा यही कहना कि है जब मेहनत कर रहे हो तो सही डायरेक्शन में करो ना, गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। सही डायरेक्शन में मेहनत करके सही नंबर लाया जा सकता है, तो गलत डायरेक्शन में जाके कोई फ़ायदा नहीं। तो हम बोर्ड के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि हम बोर्ड के माध्यम से आपको हम 14 क्वेश्चन का आंसर हम बोर्ड पे बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो इसमें से 5-6 ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है इस बार नहीं तो उस बार करके, तो इस पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे और इसको हम याद कर लेंगे। तो चलिए बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप देखो सब्सक्राइब करो या ना करो या ये कोई मैटर करते हैं यार, तुम हमारा बस एक ही मकसद है, तुम पढ़ाई करो और अपने जीवन में विकास कर जाओ, हम समझेंगे कि हम सफल हो गए, मेरा मेहनत ही सफल है। ये चैनल सब्सक्राइब करो, फन्ना करो, चिन्ना करो, लाइक करो, ये सब कुछ है ही नहीं। हम जो अभी मेहनत कर रहे हैं हमारा बस इतना ही। तुम अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तुम अच्छा नंबर लाकर अच्छा कॉलेज में एडमिशन करा लो और तुम अच्छा आदमी बन जाओ, माने कि कुछ ढंग का आदमी, कुछ ऊंचा स्थान पर पहुंच जाओ। सिर्फ एक बात, अगर जब ऊंचा स्थान पर पहुंच जाए ना तो जो तुमसे गरीब इंसान मिले उसका सिर्फ हल्का मदद कर देना, हम समझेंगे हम सफल हो गए हैं। तो चलते हैं प्लेलिस्ट में, सॉरी चलते हैं बोर्ड पे। अब हम आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका जो VVI क्वेश्चन आंसर है तो प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पर NCERT करके प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है, यही चैनल में NCERT करके हिंदी करके उसमें होगा, क्लास 10th करके बना होगा, उसमें आप जाइए, वहाँ पे सभी क्वेश्चन का माने एक तरह से हम कह लें कि सभी चैप्टर का VVI क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है हेर फेर करके, वो सब कवर किया गया है। साथ में वहाँ पे ये भी कवर किया गया कि क्या क्या पूछा जाता है, कैसे परीक्षा में लिखा जाता है, या फिर आपको कल ऑब्जेक्टिव हो गया, व्याकरण हो गया, ये सब कुछ कवर किया गया है। और कुछ हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपना समय थोड़ा निकाल कर आप सबके लिए थोड़ा जैसे जैसे हमको समय निकलता है वैसे वैसे हम प्रयास करते कि उसमें जितना इंक्लूड कर सके हम करते जा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर देखिए। अभी यहाँ पे इससे ज़्यादा हम बोलेंगे, चलो बोर्ड पर आओ ना यार, बोर्ड पर दोनों आदमी मिलकर बात करते हैं, यहाँ पर वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा तो फिर उतना मज़ा भी नहीं आएगा। तो बोर्ड पर हम अपने लोग कुछ बात करते हैं और हम आपको इतना गारंटी देते हैं कि बोर्ड पे बोर नहीं होने देंगे, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करेंगे, या पढ़ाई कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, उतना भी टेंशन लेकर सीरियस में उतना पढ़ाई नहीं किया जाता है, इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ाई करना है और अच्छा नंबर लाना है। बोर्ड के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे इंटरटेनमेंट करते हुए, एक एक बात अपनी भाषा में समझते हुए, बिहारी अपने लोग हैं ना, बिंदास है। तो जाते जाते हम सिर्फ यही कहेंगे कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे शब्द निधि है, तो इसको आप 2 से 3 बार पढ़ के आप छोड़ दीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि नहीं पूछा जाता। हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि आप 2 से 4 बार पढ़ के छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कभी भी देखिएगा तो इससे आपको याद हो जाएगा कि हम ये शब्द कहीं पर देखे हुए थे, इसीलिए हम कहते हैं 2-4 बार पढ़ के छोड़ दीजिए। और हम आपको बता दें कि आप बोलेंगे सर आप बहुत कुछ बोलते हैं, यार हम बोलने के लिए आपको अगर बता दें कि हम आपको इस विषय पर आपको हम समझाने की अगर हम कोशिश करें तो कम से कम हम लगातार 5 से 6 घंटा आपको समझा सकते हैं, मालूम है, यानी कि एक हम सेमिनार कर सकते हैं, हम इतना बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना ही बोले हैं वह काफ़ी है और आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अब 10th क्लास में चले गए तो इतना बच्चा भी नहीं रहा है। और यहाँ से अब अपने गोल अचीव कीजिए, गोल बनाइए और गोल अचीव कीजिए, क्योंकि अब बच्चा नहीं रहे हैं, अब सियान हो चुके हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले कि बहुत कुछ, चलो ना बोर्ड के माध्यम से हम बात करते हैं।
तो यहाँ पे तो बोलेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो बोर्ड के माध्यम से अपने लोग कुछ इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे और वहाँ पर हंसते खेलते हुए मज़े से पढ़ेंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से VVI क्वेश्चन देखिए। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।